नमस्कार किसान भाइयों, ये नेपच्यून कंपनी का पोर्टेबल पावर स्प्रेयर है। आइए हम आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करें। आइए किसान भाइयों, आपको दिखाते हैं इसके साथ में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ये इसके साथ में एक 15 मीटर का आउटपुट होस पाइप दिया जाता है, आउटलेट होस पाइप होता है ये इसके साथ में प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ में ये सक्शन होस पाइप दिया जाता है और एक ये ओवरफ्लो होस पाइप भी इसके साथ में दिया जाता है। और इसके साथ में एक 60 सेंटीमीटर की गन प्रोवाइड की जाती है कंपनी द्वारा। और इसके साथ में ये एक टूल किट भी कंपनी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सक्शन फिल्टर, प्लग पाय, स्पिनर वगैरह इसके अंदर अवेलेबल होता है। ये अब हम देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ये प्रोडक्ट को दो भागों में होता है। ये इसकी पंप असेंबली होती है और ये इसका इंजन होता है। इसमें ये जो पंप असेंबली होती है, इसमें इस पंप सेक्शन में ये प्रेशर एडजस्टमेंट वाल्व दिया होता है जिसके द्वारा प्रेशर को एडजस्ट किया जा सकता है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इसको एडजस्ट कर सकता है। ये इस राइट पोजीशन पे इसको घुमाने पर, इसको रोटेट करने पर यह प्रेशर इसका बढ़ जाएगा और इसको धीरे धीरे अगर अपन ओपन करते हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। यह इसका सक्शन एरिया है, यहाँ से पंप में पानी जाता है। ये इसका ओवरफ्लो वाल्व है, यहाँ से जो पानी प्रेशर में बच जाता है, जो पानी गन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है, वो यहाँ से वापस रिटर्न अपने जहाँ से पानी शक कर रहे हैं वहाँ पर इसके द्वारा वहाँ पे दिया जा सकता है। ये जो सेक्शन है, ये पंप का ऑयल चैम्बर है। यहाँ से आप इसमें ऑयल देख सकते हैं। कंपनी इसमें ऑयल प्रोवाइड करके देती है, कंपनी इसमें ऑयल ऑलरेडी देती है। इसमें 90 नंबर का गियर ऑयल यूज़ किया जाता है। यहाँ से इसको ओपन कर साल में एक बार इसमें 150 से 200 ml ऑयल इसमें डालना होता है। 90 नंबर का गियर ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है। यह पंप का आउटलेट एरिया है। यहाँ से जो 15 मीटर का होस पाइप प्रोवाइड होता है उसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद में उसमें गन कनेक्ट करके आप उससे स्प्रेइंग कर सकते हैं। ये इस पंप में एक ग्रीस कप लगा होता है। जब भी पंप हमेशा लगता है कि पंप प्रेशर कम दे रहा है या जाम पोजिशन पर है तो हमें इसे टाइट करना होता है जिससे कि इसमें लुब्रिकेशन का काम, इसमें ग्रीस अपने आप फील हो जाता है और ये फ्री चलने लगता है। इस प्रोडक्ट के साथ में 35 सीसी का 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दिया जाता है। यह इसका फ्यूल टैंक है जिसके अंदर हमें 1 लीटर पेट्रोल डालना होता है और इसी के ऊपर ऑयल चैम्बर दिया जाता है जिसके अंदर हमें 20W40 ग्रेड का ही ऑयल यूज करना होता है। 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल इसमें 70 से 80 ml हमें डालना होता है। यह इस इंजन का कार्बोरेटर है। हमें इंजन स्टार्ट करने से पहले पेट्रोल डालने के बाद में इसमें इस बटन को 4 से 5 बार इस तरीके से पुश करना होता है ताकि इसकी एयर निकल जाए और पेट्रोल कार्बोरेटर को मिलना चाहिए। देन इसी के ऊपर चौक पोजीशन होती है, इसे चौक कहते हैं। ये चौक को हमें ऊपर की तरफ ही रखना है। स्टार्ट करने से पहले हमें इसे ऊपर की तरफ ही रखना है और जब इंजन स्टार्ट हो जाए जब हमें इसे नीचे की तरफ कर देना है। यह इंजन का एक्सेलेटर लीवर और यह स्टॉप स्विच है। हमें इंजन स्टार्ट करने के बाद में इसे इस तरीके से एक्सेलरेट, ये हाई पोजीशन पे रहेगा और ये लो पोजीशन। किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जब छिड़काव का काम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हमें इस स्टॉप स्विच को इस तरीके से पुश कर देना है, दबा देना है जिससे कि इंजन बंद हो जाएगा। आइए किसान भाइयों, अब हम आपको दिखाते हैं इस प्रोडक्ट को असेंबल कैसे किया जाता है। यह इस प्रोडक्ट के साथ में यह जो मोटा वाला पाइप होता है, ये सक्शन होस पाइप होता है। ये पंप को पानी या कीटनाशक जो भी यूज करता है किसान, को ये पंप को प्रोवाइड करता है। अब इसे यूज करने से पहले हमें ये टूल किट में से कुछ एसेसरीज का उपयोग करना होता है।
जैसे ये होस क्लिप इसके साथ में दी जाती है। इस होस क्लिप को किसी टूल्स की मदद से इस तरीके से इसमें लगाया जाता है। देन उसके बाद में हम बताते हैं इस होस पाइप को हमें यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देना है। इसी टूल्स की मदद से हमें ये होस क्लिप को नीचे की तरफ फिट कर देना है। दूसरे छोर पर हमें सक्शन फिल्टर यूज करना होता है, जिसके लिए भी हमें एक होस क्लिप दी जाती है। उस होस क्लिप को हमें दूसरे एंड पर भी उसी तरह से लगाना होता है और इस तरीके से सक्शन को असेंबल करकर, सक्शन फिल्टर को असेंबल करकर हमें इस तरीके से इसको लगाना होता है। ये पंप की सक्शन असेंबली कंप्लीट हो जाती है। अब इस प्रोडक्ट के साथ में जो दूसरा पतला वाला पाइप दिया जाता है, जो कि ओवरफ्लो पाइप जिसे कहते हैं, उस ओवरफ्लो पाइप को भी हम इसी तरीके से होस क्लिपों के जरिए असेंबल करना होता है। इस तरीके से हम इसमें होस क्लिप, ये जो ओवरफ्लो निप्पल होती है, हमें यहाँ पर इस पाइप को इस तरीके से फिट कर देना है। और इसी पाइप का दूसरा छोर, जो कि ओवरफ्लो पाइप का दूसरा छोर, जो कि वापस से केमिकल टैंक में इसको डालना होता है। और इस प्रोडक्ट के साथ में 15 मीटर का आउटलेट होस पाइप दिया जाता है, जिसका कि एक सिरा हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना होता है। और इसका जो सेकेंड सिरा है, जिस पर कि हमें कंपनी द्वारा 60 सेंटीमीटर की गन दी जाती है, उसको इस तरीके से हमें इस पर लगाना होता है। इस प्रोडक्ट के साथ में हमें दो रबड़ की केप दी जाती है। इस्तेमाल हमें ये जो प्रोडक्ट की फ्रेम होती है, जो एमएस की फ्रेम होती है, उसके इस पोर्शन पे हमें इसको इस तरीके से लगाना होता है, ताकि जिससे कि पानी अंदर ना जाए और प्रोडक्ट रस्ट ना लगे, जंग प्रोडक्ट को ना लगे, इसलिए ये प्रोवाइड की जाती है और उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है।